बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाह अब्द अल्लाह समद लम जलत वलम जुलत वलम यकुल्लहु कुफन हद। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ को सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियां और सीटीडी के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी ढंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे का कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने यह कमाल बनाया, आज दिन से भी ये हराम कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही कुछ है कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं वर्कर क्लास से आया हूँ और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथ ही हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना उनके साथ जमानत कराई, फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोस नहीं। उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने छुप बेगरती का मुजाहरा किया है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बगैर की हम अपनी इज्जत उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। सीटीडी की गुंडागर्दी के लोग उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ और मैं इसे इज्जत जो है ना गई है, घर की है और चार दीवारी गई है, मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की, अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो, चीफ जस्टिस साहब आप हमें गोली मार दें। खुदा के वास्ते हमें हमारी इज्जत नहीं बची, हमें ये कौन लोग हैं, ये किस किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ, कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो गर्ती करें, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजदगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ की, इंतहाई कितनी का बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली के इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफी शख्स वो मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, कोई मैं कोई कोई इस चीज का भी सोची उस मुल्क के बारे में, मेरा जीना मरना ही पाकिस्तान है, मगर मेरे इस हालत में जो कुछ किया है इन्होंने बेगैरती की है। और मेरे दोस्तों अजीजों आ जाओ, वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ फिर मुझे मारे, आए मुझे दिल को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत इन हरामजादों में इनमें गलत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे है, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए है, ये भेड़िए से बदतर है, ये नोच रही है, इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों और तो नंगा करें और ये इतना जुल्म करें, बेगैरती करें, हमारे साथ करें, तबाह करें, तबाह करें।